हाय दोस्तों, वेलकम टू गलिक बॉय गेमिंग चैनल। आज हर कोई स्ट्रीमर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, मगर बजट ना होने के कारण निराश हो जाते। इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें घबराने वाली भी बात नहीं है। आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं, स्ट्रीमर बन सकते हो। आज मैं अब्बास आपके लिए एक ऐसा CPU लाया हूँ जिसमें आप 1080 पे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, 70 से 80 FPS पे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ये मेरा दावा है। चलो आपका समय बिना बर्बाद करते हुए हम अपने CPU के तरफ ले चलता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। ये Ryzen 53600 का प्रोसेसर है। चलो आप अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंटेल i7 9th जनरेशन से बहुत ही अच्छा है और उससे बेहतर भी है, और ये आपके प्राइस में भी आ जाएगा। अभी हमने प्रोसेसर की बात की है, और उस प्रोसेसर को सूटेबल मदरबोर्ड अगर लगाना है तो हमको ये लेना चाहिए, MSI B450 Pro सीरीज। इसके साथ अगर वो प्रोसेसर लग जाएगा तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और जहाँ तक ग्राफिक कार्ड की बात आती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा Zotac Gaming 6GB वाला 1660 का DDR5 वाला, आपको ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे देगा। अगर हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो ये कूलिंग मास्टर का 550 वोल्ट्स वाला बेहतर रहेगा। चलो अभी हम प्राइजेस की बात करते हैं। ये Ryzen प्रोसेसर आपको कम से कम आपको 15,500 पे मिल जाएगा। अभी इसके बाद हमारा ये मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड आपको कम से कम बोले तो भी 6,500 में मिल जाएगा। तो अभी ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको 17,000 में मिल जाएगा, 17,000 पे। अभी ये पावर सप्लाई, ये तो आपको 2,500-3,000 पे मिल जाएगा।